गाइस, दिस इज आवर नेक्स्ट डे। ये हमारी कांवड़ यात्रा का दूसरा दिन है और सबको हर हर महादेव, जय श्री शंभू, बम भोले। और अभी मॉर्निंग का वक्त हो चुका है, लगभग लगभग 7:30 बज रहे हैं और अभी हम शामली से लगभग लगभग 15 किलोमीटर पीछे हैं और हम लोग सब क्रैश हो चुके हैं। बट रात को नींद नहीं हुई है, फिर भी हम लोग क्रैश हैं। आज हमें पूरी रात कवर अच्छे से करना है, तो आज का बहुत कम मुलाकात होगी। हमें सारा कवर करना है आज, जहाँ तक है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करना है। और कल हमें जल चढ़ाना है हमारे भोले बाबा को। तो गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर अभी हम लोग। यहाँ पर है सूरज देवता ऊपर और यहाँ पर रुके हैं हम, और पीछे बाइक वालों ने उतार रखा है स्लेंसर, इससे ज़्यादा वॉइस आ रही है। और यहाँ से हम सीधा जाएंगे, पहले हमारी भोले बाबा की बारी आएगी, फिर हमारी टर्न आएगी कावड़ की। और हमारे पास है आज बाइक, हम लोग अब बाइक पे, पहले हम लोग कार में चल रहे थे तो अब हमारे पास एक बाइक आ चुका है, तो हम लोग अब बाइक पे चल रहे हैं। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, हमारी यात्रा सफल हो, बाबा का आशीर्वाद से चल रहे हैं हम लोग, कोई कुछ ना हो। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, जब जहाँ पर भी मैं रुकता हूँ अभी चाय वगैरह पियेंगे, नींद उड़ाएंगे, पूजा वगैरह करेंगे, तो मिलते हैं आपको वापस से। गाइस, मेरी टर्न आ गई और मैं बस अपनी डिस्टेंस को रिकवर करने वाला हूँ। देखा गाइस, गाइस अभी मैं छोटे बोले आए तबीर में, मतलब हमारे आगे और भी जने गए हैं देखने के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप सामने, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये बहुत बड़ी तबीर है जो आप देख रहे हैं। अब हमारी हालत ऐसी हो, किधर इधर आ जाओ, ठीक है बोले। हमारी हालत ऐसी हो चुकी है कि हम आगे जा भी नहीं सकते, इतना बुरा हाल हो चुका है, पैरों में दर्द बढ़ चुका है। उम्मीद है कि नहीं जल्दी दर्द बढ़ जाएगा, बट दर्द बढ़ चुका है। और बस सबको पता ही है दर्द बढ़ने के बाद क्या होता है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो देखिएगा सामने, बिल्कुल सामने देखिए, इधर माता की चौकी वगैरह हो रही होगी शायद, जो उसका ही है प्रोग्राम हो रहा होगा यहाँ पे। तो बस अभी हम इसलिए इधर चीज़ में हैं कि थोड़ा सा टांगों को रेस्ट मिल जाए और हमें भी थोड़ा सा आराम मिल जाए। जय हो भोले, बम 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 भोले। भाई साहब, यही तो सरकार, यही तो अपने कानून है। अब ये माल्या वर्गीय है, मोदी वर्गीय है जो बात। गाइस, हम लोग हैं अभी पानीपत और सफेदों के बीच में और हमारी कावड़ आगे चल रही है और हम लोग थोड़े से लेट हो चुके हैं, इसलिए अब हम इधर से जल्द से नहा के फ्रेश होके निकल रहे हैं। सब लोग अभी इधर, हमारी दोनों कार यहाँ पर आ चुकी है और हम लोग अब धीरे धीरे करके निकलें, जो नाले वो निकलता जा रहा है, फिर हम चलेंगे सीधा हमारी कावड़ पे। हम सीधा अब रात को फुल चलेंगे। एक चीज़ दिखा, ये है कावड़, ये होती है कावड़।
चीज है। Hey guys, what's up? This is our last day and final day of our yatra. So अभी मैं बरवाला से निकल चुका हूँ बाहर की तरफ। बरवाला हमने क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से अराउंड हमारा पता है बाद अराउंड लगभग लगभग 50 to 60 किलोमीटर की रेंज में है। मैं उन्हें आइडिया नहीं है कुछ नहीं रेंज में, बट है इतना ही। और कल वही रात चले, सुबह हमने 6 बजे कावड़ छोड़ी है, किसी और को चेंज कराई है, किसी और ने चेंज करी थी हमसे कावड़। पहले हम लोग सिर्फ 3 जने चल रहे थे और अब मैं अकेला चल रहा हूँ और वो जो मेरे साथी हैं वो कार लेके 2 किलोमीटर आगे खड़े हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, जिधर भी बैठ के बातें करते हैं। आप नदिये पे हो सवार से लड़े ओ भला रवैया के मार चले। पापड़ दे विला थोड़ा तिलक है। ये है हमारी शिवरात्रि की कावड़ यात्राएं और अभी इधर होली खेली जा रही है, रंग लगाए जा रहे हैं, सबको देख सकते हैं आप। हमारे छोटे भोले आ रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बड़ोपड़ के पास, मतलब हमारी सिटी के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। अराउंड 15 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से हमारी सिटी। और बस हमारे छोटे भोले आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, पूरे रंग में भरे हुए, फूलते चलते हुए। जय हो, हर हर महादेव, जय श्री शंभु। देख सकते हैं आप हमारे भोले आते हैं यहाँ, हर हर महादेव, बम बम बोल 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 बम।
गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बलोपल नहर पे और अभी यहाँ से सबके साथ होली खेली जा रही है, देख सकते हैं आप। ये हमारे सुमित भैया, तेरा चेला बना लेने हर महादेव, ये देख सकते हैं गाइस। हाँ गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी सिटी के पास, अराउंड 5 to 6 किलोमीटर दूर है हमारी सिटी यहाँ से, और हम लोग अभी बस अब रंग में भरे हुए हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा है, और अब हमारी फटाफट यात्रा चल रही है। जो टाइम हमने फिक्स किया ये देखिए हमारे भोले शिव डाक और संघ। देख सकते हैं आप हमारे भोले, आज हमारे साथ हमारे प्रधान साहब हैं, हमारे साथ यात्रा में चल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग जैसे कि हमारे प्रधान साहब यात्रा में चलते हुए, और ये सर हमारे भोले जो कावड़ लेके आ रहे थे हमारे साथ, सब लोग जय हो भोले की, जय हो। अरे हम गाइस मतलब फुल और मस्ती का माहौल है यार, पास आ गए सिटी के और हमें क्या चाहिए, हमारी फुल और मस्ती चल रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा, सारे पहाड़ देखे हैं, और बस अभी मैं पीछे बैठते हैं कार के फिर दिखाता हूँ आप। ये हमारी कार जो डिग्गी खोल के बैठे हैं पीछे, फुल और मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी फुल और मस्ती चल रही है यहाँ पे, और सब भोले बाबा के भक्त हैं जो हैं मस्ती कर रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो हर महादेव, जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ। Thank you.
बम 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 आए आए मेरी जानू जल्दी जय जय महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय 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 महादेव गाइस हम लोगों ने मंदिर में जल चढ़ा दिया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारी पूजा कैसे हो रही थी, और हम लोगों ने जल शिवपुरी में चढ़ाया है जहाँ शिव जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही यहाँ पर, थोड़ी सी पैरों में दिक्कत है, चलने में थोड़ा पेन होता है, बट यूँ नहीं है कि थकान। हमारे हरिद्वार की कावड़ यात्रा की, और ये बस सीढ़ी इतनी थी, कम से कम अराउंड 4 या 5 पार्ट बन गए थे हरिद्वार के भी। एक तो उसके अंदर प्रॉपर ही मंदिर का बना हुआ था, कि उसके अंदर क्योंकि आरती थी तो वो बड़ा कर नहीं सकते थे सेकंड डे को, इसलिए सेकंड डे के 2 पार्ट कर दिए। और आप लोगों ने देखा ये हमारी कावड़ यात्रा कैसी आई है, और खूब धूमधाम से हम लोग कावड़ लेके आए थे। जैसे ही हम सिटी के पास पहुँचे हमारी मस्तियाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम लोग टाइम पे ही सिटी में पहुँच जाएंगे, और टाइम से पहले ही थे हम लोग सिटी में, तो इसलिए हमने मस्ती शुरू कर दी थी। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के हमारी सीरीज़ को, और बने रहिए मेरे साथ। और अब तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं हमको जल्द से जल्द, जितनी कोशिश हो सके जल्द से जल्द एक नया ब्लॉग लेके आएंगे आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलते हैं, बाय बाय, सेंडिंग ऑफ अमर।